इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कासगंज से। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ढाबा संचालक और खाना खाने आए युवक के बीच हुई खासुनी, जिस पर ढाबा संचालक ने की फायरिंग, जिससे 32 वर्षीय युवक की हुई है मौत। कासगंज में खाना खाने आए ग्राहक और ढाबा संचालक के बीच मारपीट हुई। ढाबा संचालक ने फायरिंग कर दी। ढाबा संचालक ने ग्राहक को गोली मार दी, जिससे 32 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। ढाबा संचालक गोली मारकर हुआ फरार। पटियाली अलीगंज मार्ग पर बने भदौरिया ढाबा संचालक ने दिया घटना को अंजाम। सर, पटियाली क्षेत्र में एक हत्या की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना पटियाली क्षेत्र में कस्बा एरिया में भदौरिया ढाबे पे कल एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस और मेरे द्वारा जो है वो मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि पंकज सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे पानी की बॉटल लेने के लिए आया था। उसी के बीच उसका जो ढाबा मालिक है राजवीर भदौरिया और उसके बेटों के साथ कुछ कहासुनी हुई, जिसमें राजवीर भदौरिया उसके बेटों ने पंकज सिंह के ऊपर फायर किया और उसकी मौके पर ही वहाँ पर मौत हुई। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं। अभी अभियुक्त फरार है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन करके SOG को भी उसमें लगाया गया है।